हर्ष न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। महेंद्र पार्क थाने का एक वांछित अपराधी को क्राइम ब्रांच की NR1 की टीम ने नरेला से गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के स्पेशल CP रविंद्र सिंह यादव ने सोमवार रात 10:15 बजे मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि क्राइम ब्रांच की NR1 की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नरेला से एक वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया है, जो कि महेंद्र पार्क थाने का वांछित अपराधी है। आगे स्पेशल CP ने बताया कि एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी क्राइम ब्रांच की NR1 की टीम को कि महेंद्र पार्क थाने का एक वांछित अपराधी जो कि नरेला में छिपा हुआ है। इस गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम बनाई थी, जो कि क्राइम ब्रांच के जॉइंट CP HD मिश्रा और DCP विचित्र वीर के निर्देश पर ACP विवेक त्यागी के देखरेख में इंस्पेक्टर आलोक कुमार राजन के नेतृत्व में एक टीम बनी थी। इस टीम के अंदर SI नरेंद्र सिंह, ASI वीरेंद्र, ASI संदीप, ASI रमेश, ASI अशोक और हेड कॉन्स्टेबल संजीव इस टीम में शामिल थे। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते पुलिस टीम ने लामपुर बॉर्डर नरेला में जाल बिछाया और मुखबिर के इशारे पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान मलकीत सिंह उर्फ लेखू के रूप में हुई, जिसकी उम्र 27 वर्ष है, जो रहने वाला DDA फ्लैट जहांगीरपुरी का है। आरोपी फरार चल रहा था। हम बता दें कि 2019 में महेंद्र पार्क थाने ने आरोपी को गिरफ्तार किया था और कोर्ट से जमानत मिल गई थी, मगर उसके बाद अदालती कार्रवाई से बच रहा था, जिसके बाद अदालत ने आरोपी को घोषित करार दे दिया था, जिसके गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी क्राइम ब्रांच की NR1 की टीम को और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ जारी है।